अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके लिए ट्राउज़र डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। जीन्स की ट्राउज़र अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में, कुछ इस तरह से मिलते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि हम इसमें डिज़ाइनिंग किस तरह की बनाएं। तो आप बिल्कुल सेंटर से 2 इंच या 3 इंच की एक पट्टी कटिंग कर लें ट्राउज़र में से, पैंट में से जिसे कहते हैं, दोनों ही पैंचों में से। उस पट्टी को इस तरह से बो बना बना कर पैंट में ऐड कर लें। बहुत ईजी ट्रिक से दोनों साइडों में स्टिच कर लें, फिटिंग वाली जीन्स भी बन जाएगी और इस तरह से बो बनकर वापस लगा दें। आप अंदर की साइड स्किन कलर का कोई कपड़ा भी लगा सकती हैं, स्ट्रेचेबल कपड़ा भी लगा सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन स्टाइलिश जीन्स तैयार आपकी बहुत इजी ट्रिक के साथ, बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्टाइलिश। आपको इस तरह के ट्राउज़र घर में बनाने में आसानी, क्योंकि मार्केट में अगर आप विजिट भी करेंगी तो आपको इस तरह के टाइट्स जीन्स बहुत मुश्किल से मिलेंगी, जो मिलेंगी वो बहुत ही कॉस्टली होंगी। तो आपके पास कोई बंच हो, कोई लेस हो, कोई नेट फैब्रिक इस तरह का हो तो आप जीन्स में ऐड कर सकते हैं अंदर की साइड स्किन कलर का कपड़ा लगाकर। कुछ लोग समझते हैं कि जिस्म नज़र आएगा तो ये तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ, लेकिन मैंने आपको ट्रिक दी है कि आप इस तरह से बंच हो, लेस हो, नेट फैब्रिक हो लगा सकते हैं जीन्स में हो या कोई और ट्राउज़र आपका हो जिसमें स्ट्रेच हो कपड़े में। अगर आपको ये तमाम ट्राउज़र डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपके लिए लेकर आऊँ वो भी बताया करें। प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें ताकि आपको अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग हम दे सकें। वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपसे कोई डिज़ाइन मिस ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोई डिज़ाइन आपसे मिस हो जाता है और फिर आप किसी और वीडियो में देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं कि इसकी हमें समझा दें या कुछ बता दें या आप कटिंग स्टिचिंग बता दें इन सब की। लेकिन कभी कभी, ज़रूरी नहीं मैं इन ट्राउज़र्स की बात कर रही हूँ, मैं कटिंग स्टिचिंग की और आइडियाज़ वीडियो की बात कर रही हूँ। ये बंच का आइडिया तो मैंने इसलिए आपको दिया है कि अक्सर हमारी पैंट्स टाइट्स कहीं से कट लग जाए या फट जाए या आयरन लग जाए, तो हम इस ट्रिक से अपनी टाइट्स को, जीन्स को, ट्राउज़र को कवर कर सकते हैं बंच लगाकर, नेट फैब्रिक लगाकर, क्योंकि इस स्टफ़ के इतने ज़्यादा थ्रेड नहीं निकलते। तो आप इस तरह से स्टाइलिश टाइट्स, जीन्स, जो भी आपका ट्राउज़र हो बना सकती हैं, खूबसूरती बढ़ा सकती हैं, और आपकी जीन्स है या ट्राउज़र है या टाइट्स काम में भी आ जाएगी और स्टाइलिश भी बन जाएगी। आपको आज की आइडियाज़ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपको इनमें से सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा। कमेंट्स पे हमेशा अपनी राय का इजहार किया करें ताकि मुझे पता रहे कि वाकई आपको किस तरह से किस किस तरह की वीडियो चाहिए। आपको आज की वीडियो में कौन सी ड्रेस डिज़ाइनिंग टाइट्स की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें। जैसा कि देखें बंच लगा हुआ है, या आप इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मशीन ही करवा सकती हैं टाइट्स जीन्स पर, क्योंकि ये मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश इस तरह की जीन्स आई हुई हैं, स्टफ़ जिनका भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो तो वो टाइट्स बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर आप चाहें तो इस तरह की बंचेस मार्केट में बड़े बड़े मिल रहे हैं आयरन की मदद से लगाने वाले, वो भी लगा कर आप इस तरह से अपनी जीन्स को, टाइट्स को, ट्राउज़र को खूबसूरत बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सी चीज दी हैं, आइडियाज़ दी हैं। अगर आपको ये तमाम आइडियाज़ अच्छे लगें तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें अच्छी अच्छी सिखानी चाहिए। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन ये डिज़ाइनिंग बहुत सारे मुल्कों में इस तरह की पहनी जाती हैं जिन्हें पसंद भी किया जाता है। अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग उनको पसंद ना हो तो इस तरह की ड्रेस ही ना तैयार करो। आपको जो भी ड्रेस अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, अपने माहौल के मुताबिक आप वो ड्रेस पहना करें। ज़रूरी नहीं जो हम डिज़ाइनिंग दिखाते हैं आप वो ही पसंद करें और वैसे ही पहनें, लेकिन कितनी सिंपल सी टाइट्स हैं, स्टफ इसका स्ट्रेचेबल होता है, इंटरलॉक स्टफ बोलते हैं इसको, इसमें स्ट्रेचेबल ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है। इसके ऊपर प्यारे प्यारे बंच लगाए हुए हैं जिसे शटल लेस वाले भी बोल सकते हैं आप। अगर आप प्लेन टाइट्स ले लें और उस पर इस तरह से खुद भी लगा लें तो वैसे ही बहुत खूबसूरत टाइट्स तैयार हो जाएगी आपकी बेबी की या आपकी अपनी खुद की। अगर आपको सिंपल टाइट्स को डिज़ाइनिंग बनाना है और अगर आपने अपना ट्राउज़र को प्यारी सी शेप देनी है तो उसका सेंटर का जोड़ जो सामने घुटने के पास आप उसे खोल लें
उसमें इस तरह से नोक वाला पहना, यानी कलियाँ इस तरह से नोक वाली डालें जो ट्राइंगल होते हैं, दोनों साइड डालना चाहें दोनों साइड डाल, एक साइड डालना चाहें एक, इस तरह से आपके ट्राउजर की लुक बेल बॉटम लुक बन जाएगी और खूबसूरती भी आएगी। आपकी मर्जी है लेंथ में जितना मर्जी कॉर्नर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ऊपर तक डालें, जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगे 10 इंच 12 इंच 15 इंच, ज़रूरी नहीं आप 20-22 इंच तक का डालें। अगर आपके पास खूबसूरत सी कोई एम्ब्रॉयडर्ड वाले पीस हैं तो आप उसको ट्राउज़र की शेप दे सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर वाली शर्ट्स बहुत प्यारी प्यारी आई हैं, आप उनको ही ट्राउज़र बना लें, ज़रूरी नहीं आप शर्ट ही बनाएं। शर्ट और ट्राउज़र में तकरीबन एक जितना ही कपड़ा लगता है, तो इस तरह से खूबसूरत ट्राउज़र आपका तैयार हो सकता है। और जो ट्राउज़र वाला प्लेन स्टफ़ है उसमें से आप शर्ट तैयार कर लें, और शर्ट में भी खूबसूरती के लिए जो ट्राउज़र में के नीचे की साइड से कपड़ा बचेगा, क्योंकि ट्राउज़र तो टाइट होता है, वो यूज़ कर लें शर्ट में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।